हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है, पूजा वगैरह से फ्री हो चुके हैं और मैं पूजा करने गई ना, तब चाय रख के चली गई थी गाइस, और मैं उसको ना गैस को मंदा करना भूल गया, तो देखो मेरे क्या कबाड़ा मचाया है। और आज मेरे गले में अब और भी ज़्यादा दर्द, वैसे ही हमेशा ही रहता है, तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। तो गाइस देखो, अब भगोना देखो किस किस के साथ ऐसा हुआ है भाई, मुझे कमेंट में जरूर बताना। गाइस हम पीने लग गए थे अब चाय, और चाय पीते पीते भाई हो गए थे यहाँ पे घमासान युद्ध, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली खुशी खा रही थी सैंडविच, और सैंडविच खाने का तरीका देखो पहले खुशी का खाने का भी तरीका देखो, तोड़ने का देखो, बैठने का देखो, हर तरीका देखो स्टाइल खुशी का। और तभी उसके साथ हो गई थी लड़ाई, खुशी ने मुंह के अंदर डाला एक बाइट है ना, और तविश ने दिया उस, देखा कि ये मोटा मोटा मुंह कैसे कर रही है, एक दिया पटाक, और फिर खुशी ने उठाई चप्पल और बैठ के इधर कभी उधर कभी बाहर कभी अंदर, खुशी भी पीट के मानी सही छोरी है ये तो। अरे तेरे तो कुछ भी बस की ना यार लाला, मारने की प्रैक्टिस है। तो यह क्या पिटती रहे, बेचारी मारेगी और क्या करे। गाइस एक बात बताऊं, बताओ भाई। जब मैं छोटे थे खुद के आते थे इनके 20 रुपए के थे, और मेरे लाता था 5 रुपए के, ठीक है। उनमें से अपने तो खा जाते थे, मेरे सारे भाई बहन के आते थे मेरे घर, और मैं कम था उसमें वो ज्यादा थे। और गाइस तीनों बहन भाई 20 रुपए की चीज मिक्स करके खा लेंगे जल्दी जल्दी, फिर आएंगे मेरे 5 रुपए चीज लेने। मैं तो छोटी सी थी, मेरे को क्या पता था, मैं कैसे तो तेरे तो ज्यादा है हमारे तो कम है, तो ऐसे करके रो दोगे, मैं इनको दे देती 5-5 सबको। मेरे लिए कितने बचते, 2-3। मम्मी का पे फैतू बस ऐसे थे मेरी चीज जब भी तो तू इतनी पहलवान रहेगी खुशी, ज्यादा बाइट खाई ना तने। तो तविश आप क्या कहना चाहोगे हमारे गाइस को? मैं कहना चाहूंगा कि खुशी तो है बेवकूफ, उसकी बात तो मैं तो आने के जोर चली है भाई, ये हर घर की कहानी है, भाई और बहन की यही निशानी है है ना, निशानी है लड़ाई, जो भाई बहन लड़ाई करते रहते हैं उन ऐसे होते हैं। मैं वीडियो बनाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, और मम्मी नहला रही है हमारी सोन परी को, अभी दिखा देती हूँ कैश परी को नहाते हुए। आज इसको नहला रहे हो आप? ओ माय गॉड, ये कैसी लग रही है कैसी लग रही है ना। हेलो कैश परी, आपको कैसे लग रहा है नहा के? बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा, मेरे को तो मैं यहाँ पे बना रही थी रोटी, और मैं एकदम से कैश परी को दिखाने चली गई, और आप मेरी रोटी देख सकते हो। जो कि पीछे से थोड़ी सी लाल हो गई भाई, जब तक मैं जल्दी से आई। अब बनाएंगे आराम से रोटियाँ। गाइस हम जा रहे हैं कहीं पे, वीडियो वगैरह हो चुके हैं शूट, और आंखों से दिख नहीं रहा कुछ भी धूप की वजह से। तो भाई मैं खुशी दी, खुशी और निशा दीदी, मैं कह रही थी खुशी दीदी, और हमारी मम्मी की हमेशा आदत है पीछे से बोलने की, वो नहीं कभी ख़त्म हो सकती है नहीं। खुशी आपको क्या बोल रही थी खुशी, आपने फिर क्या बोला अभी अभी? देखो पहले तो मैं बोलती रही हूँ, बोला दे जब मैं दे दूँगी, फिर लास्ट में मैं बोलूँगी ना, फूलों से बोल रही थी, मेरे को लगा मैं से बोल रही हूँ, मैं बोल रही मैं नहीं कर रही, अब कह रही कुछ नहीं है बस की टाइम मार देती है, फूलों से बोल रही, मैं बोल रही अब बैठती डर जाएगी पूरे दिन बाद काम करा। तो गाइस ऐसे ना भी बेटी की लड़ाई होती है, तो हम घर से निकल लिए, जाके दिखाते हैं। गाइस हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं, तो हम आए हैं अपनी आंटी के शॉप पर, दिखाती हूँ मैं आपको। तो भाई हम आए यहाँ पे, आप आराम से शॉप देख सकते हो, नंबर भी देख सकते हो, जिसको मंगवाना है तो इधर भी देख सकते हो, शोभा क्लोथ हाउस। कैसे हो? ठीक हूँ नमस्ते।
गाइस हम आए हैं आज अपनी खुद की शॉप पर जो कि भाई हमारी छोटी मम्मी की है। और भाई ये यहाँ से मेरे सारे सूट जाते थे आज तक के, जब तक कोलैब के नहीं आते थे। तो मेरी शादी की शॉपिंग से लेकर 5 साल तक मैंने सारे सूट अपनी घर वाली शॉप से ही पहने हैं। और भाई ओल्ड इज गोल्ड ये बहुत दिनों से है शॉप यहाँ पर, सभी को पता होगा शॉप के बारे में, तो आंटी को सभी जानते हैं गाँव वाले। और इनके जो सूट होते हैं ना भाई ब्रांडेड और ऐसे सूट होते हैं जबरदस्त, इनकी सूटों में कोई शिकायत नहीं होती, ऐसे कपड़े होते हैं। तो मैं इस कुछ कलेक्शन इनका भी जरूर दिखाऊंगी आपसे, और क्या क्या हम खरीदेंगे वो भी दिखाएंगे आज आपसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कलेक्शन के बारे में मैं बता देती हूँ क्योंकि गांव में शॉप है, आपको भी पता है मम्मी दादी बहन भाभी हर तरह का कलेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा हैवी मिलता है, हर तरह का ही मिलता है। लेकिन करवा चौथ स्पेशल आया हुआ है तो दिखाना बनता था, तो मुझे लगा भाई अपनी शॉप की भी एक बार तो करना ही चाहिए, क्योंकि वैसे तो सभी को पता है लेकिन ऑनलाइन भी कर। ऑनलाइन भाई अभी ऑनलाइन भी आ गया है इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो जिसको भी ऑनलाइन लेना, जो भी सूट पसंद है वो जरूर लेना, आईडी को फॉलो जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको ये पिंक कलर। मैं पिंक कलर मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कलर है, मैं ज़्यादा पहनती हूँ पिंक कलर। तो आप देख सकते हो गाइस डबल शेड में है, जो मैंने कल भी पहना था आपको मैंने बताया कि बहुत ही सुंदर पीस है डबल शेड में। और जो इसका दुपट्टा है वो भी डबल शेड में, काफ़ी अच्छा दुपट्टा है इसका। तो गाइस कैसा लगा सूट कमेंट में जरूर बताना, जो भी सूट आपको सबसे अच्छा लगे ना उस चीज़ को कमेंट जरूर करना। और भाई मैं सभी को रिप्लाई दूंगी, एड्रेस भी दूंगी, तो सभी कमेंट करना। इस वाले ब्लॉग के सभी कमेंट्स के रिप्लाई होंगे वाइन कलर फुली, बिल्कुल मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है कि कहीं जगह है इसमें, बिल्कुल करवा चौथ के लिए बहुत ही प्यारा सूट है। और भाई जैसे कि मम्मी वगैरह होती है रेड कलर लेना अवॉइड करती है क्योंकि बहू आ जाती है घर में तो बोलती है बहू पहनेंगी रेड कलर, तो भाई वो इस टाइप के कलर लेना बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। और भाई गाँव की लेडीज सच में वाइन कलर बहुत ज़्यादा पसंद करती है। जैसे कि अभी एक सेकेंड पहले भी एक लेडीज आई थी, उन्होंने भी बोला कि मुझे वाइन कलर चाहिए। तो ऐसे ही सभी की डिमांड होती है वाइन कलर की। और आप दुपट्टा भी देख सकते हो गाइस, चारों तरफ काम है दुपट्टे पर भी, और इतने सुंदर सुंदर डॉट्स हैं। और प्योर जर्कन का सूट है भाई, मैंने सूटों के बारे में कम नॉलेज है तो आंटी आपको बीच बीच में बताती रहेगी कैसे कैसे क्या क्या सूट है। तो और गाइस देखो ये कितना सुंदर लाइट कलर का सूट है भाई, कोई कोई लाइट कलर भी पहनना पसंद करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सिस्टर निशा वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है लाइट कलर इस टाइप के पहनना। और भाई ये भी फुली हैंडवर्क का पीस है, बहुत ही प्यारा पीस है, लाइट कलर भी है डार्क कलर भी है। तो आप देख सकते हो इसकी लुक, जो भी सबसे अच्छा लगे कमेंट जरूर करना गाइस। और आपको ऑनलाइन भी सभी पीस मिल सकते हैं, और एक एक पीस के बहुत सारे स्टॉक है तो आपको एक मिनट में मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। ये देखना डिजाइनर पीस है इसका भाई, ये वाला आया है बहुत ही सुंदर डिजाइनर पीस जो कि एक निशा ने आपके सेलेक्ट कर लिया है, पिंक कलर का निशा दीदी ने ले लिया है। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये कुछ ग्रीनी सी शेड, बहुत ही सुंदर ट्रेंडिंग पीस है भाई, ये भी इंस्टाग्राम का फेमस पीस है। और आप दुपट्टा देख सकते हो, दुपट्टा उससे ज़्यादा सुंदर, सूट उससे ज़्यादा सुंदर। तो कमेंट में जरूर बताना भाई कौन सा सबसे अच्छा लगा आपको। प्योर जो होता है ना मिरर वर्क ओरिजिनल वाला भाई, इसमें ना ओरिजिनल मिरर वर्क है और लेदर पैच में है ये, और ऐसा गोटे वाला काम नहीं है, बहुत ही अच्छा अलग टाइप का गोटा है ये। इसमें क्या है लेदर पैच, लेदर पैच वाला गोटा है भाई इसमें, लेदर से बना हुआ है ये। और कंट्रास्ट आप देख ही सकते हो कितना प्यारा कंट्रास्ट है इसका दुपट्टे के साथ, बहुत ही सुंदर कंट्रास्ट। आप दिखाने जा रहे हैं हम आपको और भी यूनिक बुटीक ब्यूटिक पीस भाई, ये है भाई ब्यूटिक पीस जो कि एक ही एक दो ही बनते हैं, आपको भी पता है ब्यूटिक पीस एक अलग चीज़ होती है, बहुत ही सुंदर है। और इसका जो फैब्रिक है ना गाइस बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, मतलब इसमें लाइनिंग की भी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, लाइनिंग लगेगी हाँ इसमें लाइनिंग की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतने हैंडवर्क के पीस में लाइनिंग ना लगे वो कम मिलते हैं। ये अमेरिकन सिल्क बोलते हैं इस कपड़े भाई, इसको अमेरिकन सिल्क बोलते हैं फैब्रिक को। और आप दुपट्टा देख ही सकते हो बहुत ही सुंदर है, और भाई इसकी जो लेस है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब आप आराम से इसको वॉश कर सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाजू पे भी काम है, इसके नीचे भी काम है, आप सिल्क देखो इसकी बहुत ही सुंदर लेस भाई, ब्यूटी पीस है और ये कुछ यूनिक है, मुझे कुछ अलग लगा, बहुत ही सुंदर लगा भाई ये। और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा है ना, ज़्यादा ही पिंक है, बहुत ही प्यारा कलर, जैसे कि गाजरी गाजरी तो भाई इसी के टाइप का कुछ थोड़ा सा
अभी मैं ये दिखाती हूँ आपको। तो भाई ये देखो कितना प्यारा है, कितना अच्छा कलर है ना ये, बहुत ही सुंदर कलर है। और इस पर इतने सुंदर सुंदर फ्लावर है, और कुछ हैंडवर्क का भी काम लग रहा है मुझे इस पर। हाँ हैंडवर्क का भी काम है भाई इस पर, बहुत ही प्यारा पीस है। और इसका दुपट्टा देखो भाई, उससे भी ज़्यादा अच्छा दुपट्टा है इसका। ये बिल्कुल न्यू लेटेस्ट बुटीक डिज़ाइनर पीस है जी। हाँ जी भाई, फैब्रिक के बारे में और उसके बारे में तो ज़्यादा मम्मी को पता है, मुझे कम पता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा। और इसमें पास से दिखा लें इसको, कुछ अलग चीज़ है भाई, कुछ अलग चीज़ है। ये आपको नहीं मिलेगी इंस्टाग्राम पर, कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत ही प्यारी चीज़ है, नहीं देखी होगी आपने। जिस जिसको भी जो सूट चाहिए आप एक बार आईडी पर विजिट करना, और भी बहुत सारे कलेक्शन आपको आईडी पर मिलेंगे। और आप विजिट करना चाहते हो तो एड्रेस भी आपको आईडी पर मिलेगा, तो एक बार आके विजिट करना और बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन खरीदना। क्योंकि भाई आप सब पूछते रहते हो ना दीदी कहाँ से सूट लेते हो, कहाँ से सूट लेते हो, तो भाई वो यहाँ से लेती हूँ। आज मैंने बता दिया है अपना राज कि मैं कहाँ से लेती हूँ बहुत सारे सूट, तो मैं यहाँ से लेती हूँ। कोलैब के अलावा मेरे सूट सारे यहीं से जाते हैं। वैसे मैं ज़्यादा दिखा नहीं सकती, तो थोड़ा थोड़ा आपको कलेक्शन में दिखा देती हूँ, क्योंकि भाई फेस्टिवल की वजह से पूरा भरा हुआ है। तो आप आके जल्दी जल्दी विजिट कर लो, वरना ख़त्म हो जाएंगे सारे पीस। फिर मत बोलना इसका कलर नहीं मिला, इसका कलर नहीं मिला। और भाई कुछ पीस बहुत सारे अंदर भी रखे हुए हैं इनके, जो डबल पीस है। और इधर भी बहुत सारे स्टॉल वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, मैचिंग के भी, लाइनिंग वगैरह सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। आइए और विजिट कीजिए, आपका धन्यवाद। आप जब भी आएंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, यहीं से ही लेंगे। हाँ भाई, ऐसी शॉप है कि आप एक बार आ जाओगे तो यहीं पे ही आओगे, कहीं नहीं जाओगे बाद में। एक और बहुत ही यूनिक पीस आया, मेरा मन किया आपको दिखाने का, रुकने का मन नहीं किया, इसलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो फुली हैंडवर्क पीस है और बहुत ही प्यारा पीस है। आप इसका कलर कंट्रास्ट देख सकते हो, दुपट्टा इसका ग्रीन से क्या कलर है, सी ग्रीन कलर में इसका दुपट्टा है। वो मामा आपको दिखा देते, एक बार दिखाओ। तो भाई ये है इसका बहुत ही सुंदर दुपट्टा, अभी ओपन भी नहीं हुआ था, तो सबसे पहले पीस हमने आप ही को खोल कर दिखाया है। तो भाई सच्ची बता रही हूँ मैं, कोई इसमें मजाक नहीं है कि मैं यहाँ से सूट, मेरे सभी सूट यहाँ से जाते हैं। तो कभी आप बोलो कि दीदी आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, नहीं भाई, एक बार विजिट करना, कहने से जरूर आना आप हमारी शॉप पर भी। और जो भी मुझसे मिलना चाहते हैं ना, वो भी यहाँ पे आके शॉप पर बोल सकते हो, आपको मुझसे मिलने का भी पक्का पक्का मौका मिलेगा। क्योंकि 2 मिनट की दूरी पर ही हमारा घर है, और हमारे घर सारे ही पास पास में है, तो मैं तभी आ जाऊँगी आपसे मिलने के लिए। तो सभी आना मेरी शॉप पर कपड़े खरीदने के लिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, घर से मैं तभी आ जाऊंगी आप लोगों से मिलने के लिए। यदि मुझे पता लगा कि आप लोग मेरी वजह से आए हो, तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आप एक और ये कलर पीस देख सकते हो, बहुत ही सुंदर है। और भाई आपको ये पता है, मेरे से ज़्यादा तो मम्मी पर अच्छे लगते हैं सारे सूट। देखो कितने क्यूट लग रही है, गोरी गोरी सी। हाँ और भाई जो भी आओगे ना, मेरे को भी फेल करती है हमारी मम्मी डांस में, ठीक है। और ये गुण मुझे यहीं से मिले। मेरी शादी में मम्मी कह रही मैंने इतना किया था, इतना किया बहुत ज़्यादा। मम्मी को पता नहीं था, पर ऐसे फिर डांस वाली बहू आएगी ना मम्मी, बाद में पता लगा, फिर मम्मी खुश होगी पूरी। अच्छा है ना बहू, उस तो मजा आया। नहीं नहीं तो हम आएगी तो फिर क्या फायदा होगा। हाँ बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई काफ़ी यूनिक कलेक्शन लगा मुझे, काफ़ी दिन बाद आई मैं भी अपनी शॉप पर, क्योंकि घर घर पर रहते हैं हम, काफ़ी दिन बाद शॉप पर आई। मैं सास बहू को देखना कौन सी अच्छी लग रही है। वो जरूर बता रहा कमेंट में कौन ज्यादा सुंदर है सच में। और डांस वाकई में बहुत सुंदर है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ही सुंदर है। और गुण इसके अच्छे, जब मैंने शादी में, अभी बात नहीं है जी, जब मैंने इसको शादी में पहले फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैंने तभी बोल दिया था वो क्या कहते हैं सरगुण संपन्न बहू भाई हमारी, बिल्कुल एकदम ओके, मेरी पसंद की बहू है। पूरे परिवार में बहू तो बहुत है हमारे, लेकिन सबसे नंबर वन पे ये है। ये बात नहीं है कि आज वैसे इंस्टा वगैरह सब कुछ चल चुके हैं, लेकिन सुंदर में, गुण में, काम में, घर गृहस्थी संभालने में सब में अच्छी लगी मेरे को, और डांस में तो नंबर वन। क्योंकि भाई मम्मी भी नंबर वन डांस करते हैं, बहू ऐसी मिल गई मौज होगी भाई, हम सबकी घुड़चड़ी में गीतों में जब दब के डांस करते हैं दोनों मिलके, और अब भी नाचेंगे ऐसे करके। हाँ हाँ, जिसकी भी शादी में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, तो हम दोनों साथ में जरूर मिलेंगे आपको। तो भाई सच कह रही हूँ, जिसको भी मेरे से मिलना वो भी आप यहाँ पे आना, एक बार बोलना मैं जरूर आऊंगी आपसे मिलने, और विजिट करना शॉप पर। और आप भाई ज्यादा दूर से है तो आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हो। और भाई इनकी इंस्टाग्राम आईडी भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो भी जाके जरूर चेक करना और उन्हें फॉलो करना।
तो भाई यहाँ पे बताया जा रहा है मम्मी के और भी गुण की मम्मी एक नंबर की चाय बनाती है। हमारे स्पेशल चाय पीनी है वो आ सकते हैं। यस भाई चाय भी बहुत अच्छी है। स्कूटी खरीदेंगे तभी चाय मिलेगी। नहीं आपको जिनसे हमें प्यार होगा चाय वो चाय पीने के लिए मौका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शॉपिंग मैंने की है वो की है और ये दिया है मम्मी ने मुझे गिफ्ट, आप देख सकते हो। करवा चौथ के लिए मम्मी ने कहा भाई मैं मतलब इनके बेटे के लिए व्रत रखने के लिए रिश्वत लेती हूँ कि भाई सारे भाई रिश्वत दो जब व्रत रखूंगी अच्छे से। भाई बहू तो हर बार देती है तो हमें भी कुछ फर्ज होता है त्यौहार पे बहू को दे, तो इसीलिए मैंने करवा चौथ के लिए अपने बहू को सौंप दिया। थैंक यू मम्मी वाले की दुकान। अब हम जाके संभालते हैं घर और भाई चलते हैं घर पे। आखिरकार घर पहुंच चुके हैं हम और घर पे हमें मिला सरप्राइज। मौलवी कैसे हो? हेलो मौलवी, हेलो मौसी मामी मौसी बेटा हमेशा खुश रहती। तो गाइस आज हम गए आंटी की शॉप पे और हमने भाई काफ़ी सूट भी खरीदे और जाके भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी मस्ती करी। तो भाई जिस जिसको भी सूट वगैरह लेने हो आप वहाँ से ले सकते हो। रात हो चुकी है, खाना वगैरह हमने खा लिया, सारा काम हो गया हमारा फिनिश। तो इस लोग कह हम यही कहते हैं और भाई इतने मज़ेदार सूट है तो सभी के सभी ऑनलाइन भी देखना और विजिट भी कर सकते हो तो विजिट भी करना। तो इस लोग कह हम यही कहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लोग के साथ, तब तक के लिए बाय।